तीन कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली एज अ पेरेंट हमसे हो जाती है व्हाइल मेकिंग अ चॉइस ऑफ करियर फॉर अवर चाइल्ड. फर्स्ट, भाई वो अगर फेल हो गया इस करियर में तो तू कैसे सक्सेसफुल होगा. वी ऑलवेज गिव द निगेटिव एग्जाम्पल्स टू देम. अगर वो अंकल 40 साल के हो गए लेकिन सीए नहीं बने तो तू कैसे बनेगा. बट देर आर पॉजिटिव एग्जाम्पल्स ऑल्सो. हम वो एग्जाम्पल्स भी तो देख सकते हैं कि जो एट एज ऑफ 23 भी अच्छा करियर करके गए. सो दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक वी कमिट. सेकेंड, पैटर्न में ही जाना, कुछ अलग मत सोचना. जो सब लोग कर रहे हैं वही करियर करो. लेकिन क्या आउट ऑफ पैटर्न भी करियर नहीं है? हो सकते हैं. तो उनकी चॉइस, उनका एप्टीट्यूड देखने के बाद अगर ऐसा लगता है कि है तो उसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करें तो एक अच्छा करियर हो सकता है. एंड थर्ड, मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरा सपना पूरा करेगा या करेगी. ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अपने सपने अपने लिए थे, अपने कैलिबर के बेस पे. शायद उनका चॉइस अलग हो सकता है. इफ दैट करियर सूट्स हिम और हर, दैट्स ओके. लेकिन अगर नहीं है तो हमारे सपने उनके सर पे देके हम उनका बर्डन तो नहीं बढ़ा रहे. इन शॉर्ट, अगर हम ये तीन चीजें, तीन मिस्टेक्स अवॉइड करें कि भाई वो फेल हुआ तो तू भी हो जाएगा, पैटर्न के बाहर करियर तो नहीं करना है, मेरा सपना तुझे पूरा करना ही पड़ेगा, हाँ, अगर ये तीन मिस्टेक्स हम अवॉइड करें तो हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा करियर चॉइस कर सकते हैं और जिंदगी में उसको एक अच्छी खुशी गिफ्ट दे सकते हैं. एक बार इसके बारे में भी सोचना चाहिए.